सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए बेल के आइकन को मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल चलो कुछ सीखते हैं। मैं दोस्तों नाम मत भूलिएगा, दोस्तों मैं आपका प्यारा दोस्त मोहित राज। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने फेसबुक पेज का कस्टम यूआरएल कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे उसका नाम चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सीखते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर जितने भी भाई लोग पहली बार आए हुए हैं उनको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मेरा फेसबुक पेज यहाँ पर खुला हुआ है, डीजे मोहित राज मिक्सिंग पॉइंट। तो आप चाहते हैं कि मेरा ये जो कस्टम यूआरएल है यहाँ से ये चेंज हो जाए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है www.facebook.com/djmohitraj.info। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरा djmohit.net एक वेबसाइट है तो ये मेरे वेबसाइट के नाम से यूआरएल हो जाए। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए मेरा यहाँ पे पेज भी फेसबुक पेज दिखा रहा है, नाम दिखा रहा है डीजे मोहित राज मिक्सिंग पॉइंट, और यहाँ पे देखिए कस्टम यूआरएल दिखा रहा है डीजे मोहित राज .info। तो मैं चाहता हूँ कि ये दोनों मैं चेंज कर दूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे अबाउट का ऑप्शन है नीचे, तो दोस्तों आपको अबाउट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए पेज इन्फो लिखा हुआ है, इसके बाद यहाँ पे देखिए नाम लिखा हुआ है डीजे मोहित राज मिक्सिंग पॉइंट और यूज़र नेम लिखा है। तो मैं यहाँ से दोनों चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए सामने लिखा हुआ एडिट, तो यहाँ पे एडिट कर लेते हैं। यहाँ पे कैटगरी लिखा हुआ, कैटगरी भी यहाँ से चेंज कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ से कैटगरी चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं वेबसाइट डाल देता हूँ, तो यहाँ पर वेबसाइट डाल के इसको सेव कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये मेरा, इसके बाद ये देखिए यहाँ पे कैटगरी में हमारा वेबसाइट पड़ चुका है। और इसके बाद यहाँ पे नाम इसका चेंज कर लेते हैं, तो मैं यहाँ से नाम भी चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ डीजे मोहित राज मिक्सिंग पॉइंट, मैं यहाँ पे डीजे मोहित .net कर लेता हूँ। और इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे रिक्वेस्ट चेंज कर दीजिए। तो दोस्तों मेरा यहाँ पे नाम चेंज हो चुका है, ओके कर देते हैं और अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं। और इसके बाद यहाँ से यूजर नेम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं अपना यूजर नेम डाल देता हूँ djmohit.net। और इसके बाद क्रिएट यूजर पे क्लिक कर देते हैं। और ओके कर देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा यहाँ पे यूज़र नेम चेंज हो चुका है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है www.facebook.com/djmohit.net। तो इस तरीके से आप भी अपना यूआरएल चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी ये देखिए यहाँ पे डीजे मोहित राज मिक्सिंग पॉइंट लिख रहा है, लिख कर आ रहा है, कुछ समय बाद ये अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने जो डाला था वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी अपने फेसबुक पेज का कस्टम यूआरएल चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा रहा ये मेरा छोटा सा वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।